हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल यूनिक फैशन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ट्रेडिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं 40 इंच कमर की पैंट की कटिंग, वो भी चेक पैंट है। ये चेक पैंट की सबसे ख़ास बात आप लोग समझ लीजिए, चेक पैंट में आगे से धारी बैठी होना सबसे ज़रूरी होता है, साइड से बैठाना सबसे ज़रूरी है, साइड से। इसी तरीके से बैक में हिप पर पास की सिलाई जो होती है, उसकी जो है धारी जो है, ये लाइन जो है, ये बैठा एक दूसरे पे बैठा होना बहुत ज़रूरी है। मेन दोस्तों जो चेक पैंट में यही देखा जाता है कि धारी से धारी अगर पैंट की नहीं मिली है तो जो है फिर चेक पैंट जो है बेकार लगेगा देखने में। तो देखिए, ये छोटा बड़ा है आगे से, तो इसमें जो है देखिए, हमने इसको धारी इसकी जो है बैठाने के लिए, अगर हम इसको दोनों पल्ले को बराबर कर लेंगे तो धारी जो है बैठेगी नहीं, इसलिए देखिए हमने धारी यहाँ की भी बैठाई है, यहाँ की भी बैठाई है, सारी धारी हमने बैठा दी है। तो चलिए नाप हम लोग समझ लेते हैं। इनकी जो है लंबाई 38 है, इनसीम 25 है, कमर 40 है, हिप 45, यानी कमर और हिप में सिर्फ 1.5 इंच का फर्क है। मोहरी 15 है, इनके घुटना 21 है, 27.5 इंच इनकी थाई है, यानी इनकी 27.5 इंच रान है। एक प्लेट पैंट है ये, एक प्लेट का पैंट है ये। अब चलिए हम सबसे पहले पैंट की कमर यानी कि ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो है थाई जो है हमने 27.5 इंच नापी हुई है, तो इसका पहले हम आधा करेंगे 27.5, तो 27.5 का आधा करेंगे तो आएगा 14.25 इंच आएगा। तो 14.25 इंच पे पहले हम एक निशान यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 14.25 इंच पे हम पहले एक निशान ऐसे लगाएंगे। निशान लगा के अब हम शेप स्केल से पहले हम एक निशान लगाएंगे, और देखिए इसमें ऊपर नीचे दोनों हम देख लेंगे, दोनों पल्ला हमारा बराबर है कि नहीं बराबर है, उसी हिसाब से हमको रखना होता है। 40 इंच दोस्तों देखिए इनकी कमर है, तो आगे से हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। अगर कस्टमर पेट वाला है तो नापते वक्त हम देखेंगे उसी हिसाब से 1.25 इंच की जहाँ 1 इंच डाउन करेंगे, 1.25 इंच डाउन करेंगे, 1.5 इंच डाउन करेंगे, तो कस्टमर की जिस हिसाब से नापा गया है, जिस हिसाब से पहनने वाला है, उसी हिसाब से इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम आगे से 1.25 इंच नीचे हम डाउन करके शेप स्केल से एक निशान ऐसे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर दूसरा निशान एक और लगाएंगे, जितना हमारा सिलाई में दबेगा ऐसे। अब हम लंबाई का देखिए निशान लगाएंगे, तो लंबाई का निशान दोस्तों कैसे लगाएंगे, 1.5 इंच का बेल्ट रहे तो इस 1.5 इंच को इस निशान पे यहाँ पर रखेंगे, जहाँ तक हमारा ये आ रहा है यहाँ पे हमको रखना है, यहीं से हम भी लंबाई भी नापते भी हैं। देखिए इस तरीके से इंची टेप को इसे एकदम सीधा लेकर आएंगे, और लंबाई 38 है तो 38 इंच पर हम एकदम निशान लगाएंगे, देखिए ये 38 हो गया। अब इसमें 3 इंच कपड़ा हम फोल्डिंग जो फोल्ड होता है अंदर से तुरपाई में, उसमें उसके लिए हम रख देंगे। आप 3 से कम ज़्यादा जो भी जितना रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, हम 3 इंच रख दिए हैं। अब घुटने का निशान, इसके बाद हमको घुटने का निशान लगाना होता है। घुटना का निशान देखिए कैसे लगेगा, लंबाई का पहले हम आधा करेंगे, लंबाई देखिए 38 से इसका आधा करेंगे 19 इंच आएगा, और इसमें 1 इंच और ऐड करके 20 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। इनसीम जो है 1.25 इंच नापी है, 1.25 को देखिए 1.25 है, इसको इस निशान पे हमको ऐसे रखना है, ऐसे रख के एकदम इसको ऐसे सीधा करेंगे इंची टेप को, और यहाँ पर 1 चाप 3 सूत इसमें दाब जितना हमारा सिलाई में दबेगा उतना हम इसमें बढ़ा लेंगे, बढ़ा के ऐसे निशान लगा देंगे। इसके बाद सारे निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे, एकदम सीधा एल स्केल से एकदम ऐसे सीधा इसको रखेंगे।
अब दोस्तों क्या करना है, आगे एक पहले यहाँ से सेल्वे स्कोर के पास से पहले हमको पहला निशान लगाना है 1.25 इंच पर। इसके बाद जो है हमको यहीं से निशान हम लगा देंगे 1.14 इंच पे निशान लगा देंगे, मतलब थाई जितनी हमने नापी है उसका आधा करके हम निशान लगा देंगे 1.14, और इसका आधा करेंगे तो 7 में 1 सूत कम आएगा, तो 7 में 1 सूत कम पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों हम 7 में 1 सूत कम पे ऐसे निशान लगा देंगे, नीचे भी 7 में 1 सूत कम पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। मोहरी इनकी 15 इंच है तो इसका चौथाई देखिए रखेंगे, चौथाई रखेंगे तो आएगा 1.25 इंच आएगा, तो यहाँ से 1.25 इधर, यहाँ से 1.25 इधर, तो ये देखिए 1.25 इधर, और इसी का हम डबल करेंगे 7.5 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 21 इंच इनका देखिए घुटना है तो इस 21 का भी चौथाई करेंगे तो 5.25 इंच आएगा, तो इस निशान से 5.25 इंच आगे हम निशान एक लगाएंगे, और 5.25 इंच इधर, तो 10.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम सारे निशान को देखिए मिलाएंगे, अब दोस्तों जो है हम कमर का देखिए पहले निशान लगाएंगे, कमर 40 है, इसका चौथाई करेंगे 10 इंच आएगा, तो यहाँ से 10 इंच पे पहले हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कितना बच रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों बच रहा है 1.25 इंच बच रहा है, तो अगर हम 1.25 इंच अगर रख रहे हैं तो हमारा 1 इंच का प्लेट आएगा। अगर हमको प्लेट इससे चौड़ी रखना है, गहरी रखना है, तो हम इसको 2 इंच कर लेंगे। देखिए हम 2 इंच पे ये निशान लगा लिए हैं, निशान लगा कर अब हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, देखिए इस तरीके से हम शेप दे देंगे ऐसे। कमर और हिप में सिर्फ 1.5 इंच का फ़र्क है, तो इसलिए जो है हमारी हिप जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हिप ज़्यादा रहती तब हमको हिप पर बढ़ाना रहता, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए पास की ये कटिंग हो गई है, अब इसको हमको यहाँ पे और यहाँ पे इसे पकड़ के इस निशान पे हम मिला के देखेंगे कि हमारा आगे पीछे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे इधर से और इधर हमको पकड़ के इसको ऐसे मिलाना होता है दोस्तों, ऐसे देखिए ऐसे मिला के फिर उसके बाद हमको यहाँ से प्रेस करना होता है, प्रेस करके प्लेट तोड़ा जाता है। तो ऐसे करके अब हम नीचे पहले देखेंगे, देखिए नीचे की जो है ये निशान पे निशान दम मारिक सही आ रही है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे चेक करेंगे जो है ये ऊपर वाला जो निशान और ये नीचे वाले पल्ले का निशान में 1.25 इंच का फ़र्क है कि नहीं है, इस तरीके से हम नाप के देख सकते हैं दोस्तों 1.25 इंच का फ़र्क हमारा रहेगा। ऐसे करके पहले हम यहाँ एक ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, सीधा करके ये जो हमारा जो है निशान आ रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए हमारा ये निशान आ रहा है, इससे जो है हम 2 से 3 सूत आगे हम ऐसे एक निशान लगा देंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे। इसके बाद जो है हम प्लेट का निशान दोस्तों लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंच जो है ये है टोटल मार्जिन, तो इसमें से 1.25 इंच दोस्तों जो है निकल जाएगा सिलाई मार्जिन, इसमें से 1.25 इंच जो बच रहा है 1.25 इंच का हमारा ये प्लेट रहेगा। तो 1.25 इंच पे देखिए हम ऐसे निशान लगा देंगे, निशान लगा कर जो है हम इस तरह से हम एक निशान और लगा लेंगे देख ऐसे। अब हम क्रॉस पॉकेट का, क्रॉस पॉकेट है तो क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे इस तरह से, देखिए क्रॉस पॉकेट का हम निशान लगा देंगे ऐसे, नीचे एक निशान लगाएंगे और पॉकेट की साइज़ हम 6 इंच रखेंगे, देखिए 6 इंच पे हम निशान लगा दिया है। अब हम
इन सीम का दोस्तों निशान लगाएंगे, तो इन सीम का निशान जो है पहले हम लंबाई का निशान लगाते हैं दोस्तों। लंबाई का निशान दोस्तों पहले हम लंबाई क्यों चेक करते हैं? लंबाई दोस्तों इसलिए चेक करते हैं कि अगर हमारी लंबाई एक आठ सौ ऊपर नीचे अगर हो गई है तो उसी हिसाब से हम इन सीम का भी रखेंगे। अब देखिए ये 38 इंच एक सूत हो गई है तो इन सीम का निशान लगाएंगे। इन सीम पौने 28 इंच है तो जितना यहाँ पर एक सूत लंबाई में इस साइड से हमारा नापने में बड़ा है उतना ही हम इधर भी बढ़ा के हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर 3 सूत बढ़ा के हम ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे राउंड कर लेंगे और फ्लाई चैन वाला निशान लगा देंगे। दोस्तों निशान देखिए पूरा लग गया है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये फ्रंट की कटिंग पूरी हो गई है, अब हम बैक की कटिंग करते हैं। दोस्तों बैक जो है पहले जब हम ऐसे रखेंगे तो रख कर पहले हम ऐसे चेक करेंगे कि इधर की जो है हमारी धारी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, और उसके बाद जो है पास की धारी जो है हमारी ये बराबर है कि नहीं है, इसके बाद हम फ्रंट को रखेंगे, रख कर इसकी कटिंग करेंगे। तो धारी से धारी देखिए कैसे हमको बैठाना है। फ्रेंड को ऐसे उठाएंगे, उठा करके ये धारी को इस पे हम बैठाएंगे। देखिए कैसे ऐसे इसको दोस्तों जो है इससे हमको बैठाना है, और नीचे से भी जो है देखिए ये बैठा हुआ है धारी। इसके बाद जो है हमको जो है फ्रंट के नीचे वाले पल्ले को इस पे हमको बैठाना है। देखिए ऐसे ये देखिए एकदम ऐसे बैठाना है, और सबसे नीचे वाले पल्ले को और ऊपर वाले पल्ले को इसको देखना है कि धारी जो है एक दूसरे से बैठ रही है कि नहीं। देखिए ये भी एकदम एक दूसरे से बैठ रही है, एकदम एक दूसरे में एकदम मिली हुई है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक निशान ऐसे लगाएंगे दोस्तों ऐसे, और यहाँ पे हमने पौना इंच डाउन किया था तो पौना इंच और बढ़ा के डेढ़ इंच हम बैक को उठाएंगे। इस तरह से हम बैक को उठाएंगे। इसके बाद जो है हम इसको इसी के फ्रंट के बराबर जो है हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप देखिए 41.5 है तो इसका चौथाई करेंगे, 10 इंच 3 सूत आएगा, और इसमें हम 1.25 इंच बढ़ाकर निशान लगा देंगे। कमर देखिए 40 है तो 40 का चौथाई करेंगे तो 10 इंच आएगा, इसमें भी 1.25 इंच बढ़ाकर हम 11.5 इंच पे निशान ऐसे लगा देंगे। इसके बाद हम इसका शेप दे देंगे ऐसे, देखिए ऐसे इतना शेप में ये जाएगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे ऐसे, अब हम आगे से सिलाई मार्जिन छोड़ के पीछे से सिलाई मार्जिन छोड़ के हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई 27.5 इंच नापी है तो इसमें आधा इंच बढ़ाकर 28 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े से हमको आगे देखिए हमारा जा रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर छोटा सा जो है कट एंगल लगाना पड़ेगा, तो आधा इंच का हमारा आगे एंगल लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर भी घुटने को भी हम इसी तरीके से नापेंगे सिलाई मार्जिन छोड़ के, इधर से भी सिलाई मार्जिन छोड़ के 21 इंच हमारा जो घुटना है तो इसमें
तीन सूत बढ़ा के 21 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। मोरी भी इसी तरीके से हम नापेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़ के 15 इंच हमारी मोरी है, 15 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम सारे निशान को मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हमको मिलाना है, ये हो गया। और ये आधा इंच हमको बढ़ाना है। अब हमको यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है कि इसमें हमारा जोड़ लगेगा, तो आधा इंच जो हमको ये चाहिए उसमें आधा इंच और हमको प्लस करके यानी कि 1 इंच हमको आगे हमको निशान लगाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से 1 इंच पे ऐसे, ऐसे दोस्तों देखिए ये सारा निशान हमारा लग गया है। अब हम हिप पॉकेट का भी निशान लगा देते हैं। हिप पॉकेट का निशान जो है ये सीधे वाले निशान से 3.25 इंच पे, यहाँ पर भी 3.25, और ये साइड वाले निशान से 2.25 इंच पे निशान लगेगा। पॉकेट की साइज़ हम 5 इंच की रखेंगे। इसका सेंटर का निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। सीधा एक ऐसे निशान लगा कर अब हम इसके बाद चेक करेंगे कितनी इंच की हमारी डॉट रहेगी। तो 10 इंच 3 सूत पे इस निशान से 10 इंच 3 सूत पे हम देखिए ऐसे एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद नापेंगे कितना आ रहा है, हमारा आधा इंच 1 सूत आ रहा है, तो आधा इंच 1 सूत का हमारा ये डॉट रहेगा। ऐसे कितना हमारा डॉट ये आएगा, इसके बाद जो है दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि जो है हमारी धारी सही से बैठ गई है कि नहीं बैठ गई है। दोस्तों देखिए ये पैंट हमारी देखिए कट हो गई है। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं बैक में, बैक की हमारी धारी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो इसको हम सीट को हम ऐसे देखेंगे तो देखिए एक दूसरे पे धारी देखिए एकदम जो है बैठी हुई है। एक लाइन दूसरे लाइन पे देखिए ये हमारी एकदम ऐसे बराबर से बैठ गई है। और इधर की देखिए एकदम ऐसे बराबर देखिए बैठी हुई है। और इसकी भी देखिए एकदम इधर से भी बैठी हुई है। नीचे से भी आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम ये बराबर से एकदम बैठी हुई है। साइड की देखिए एकदम बैठी हुई है। तो दोस्तों चेक वाली पैंट की कटिंग जो है इसकी धारी इस तरीके से जो है बैठा के कटिंग की जाती है। तो कटिंग की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।